मैंने थोड़ा काम किया, मैंने सोचा कि ये इस पर फिट बैठती है आज के दौर में, आज के इस जनरेशन में फिट बैठे, मैंने इसको अडॉप्ट किया और कश्मीरी का रूप दिया और फिर मैंने इसको इस पर काम करना शुरू कर दिया। तो आज इसमें कहानी ये है कि एक फुटपाथ की कहानी है। फुटपाथ पे जैसे कि सब जानते हैं कि लोग भी आते जाते रहते हैं, कोई एक रोज़गार भी कमाता है, कोई भीख भी मांगता है, कोई डील भी करता है और कोई इसमें इसको कहते हैं कश्मीर में लतमंज भी होता है, पैरों तले रौंदा जाता है। तो कौन रौंदा गया, कैसे रौंदा गया, क्यों रौंदा गया, ये कहानी का असली मकसद था। इसके बेस पे इसी फुटपाथ पे एक भिखारी भी होता है और इसी भिखारी पे एक मिनिस्टर भी आ गया। गर्ज एक ही था कि इस फुटपाथ से क्या फ़ायदा उठाया जाए। तो सब ने अपने फायदे के लिए जो कुछ भी किया, लेकिन असल मकसद जो है किसी की मदद करना, वो मदद किसी ने की नहीं। यही एक कहानी, इस कहानी का असली मतलब था और मुझे ये कहानी अच्छी लगी, तब जाके मैंने इस पर अपने ग्रुप के सामने रखी और अडॉप्ट की और इस पर डायरेक्शन की थोड़ी सी कोशिश की, तो आप लोगों के सामने मैंने आज ये पेश की। जो आज का प्ले है, ये दरअसल एक हिंदी कहानी थी जिसको मासूम रमज़ान साहब ने, जो कि यहाँ हमारे ही गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने अडॉप्टेशन की थी और इसको एक कश्मीरी तर्ज दिया था और उस ड्रामा का नाम इन्होंने फुटपाथ रखा। फुटपाथ एक ऐसा ड्रामा था जिसपे ज़िंदगी के कई मरहले जो हैं वो दिखाए गए और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारा जो ये छोटा मोटा हाल जो है ये आज खचा खच लोगों से भरा हुआ था। हम परेशान हो गए कि जो लोग यहाँ आए थे उनको कहाँ बिठाएं। तो आज हमें एक्चुअली हमें ये एहसास है ही कि हमारा जो हाल है वो बहुत छोटा है। तो हमारे एंड से मतलब हम हमेशा गवर्नमेंट से अपील करते हैं, नो डाउट गवर्नमेंट हमें बहुत सारे रास्तों से मदद तो करती ही रहती है, चाहे वो कल्चरल अकेडमी हो या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर न्यू दिल्ली हो, वो तो मदद करती है, लेकिन शायद गवर्नमेंट को ये हाल जो हमारा है वो शायद नज़र में नहीं आ रहा है। इस हाल में कई सारे जो टेक्निकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो अभी उनसे हम महरूम हैं। गवर्नमेंट से हम एक इस्तीफा करते हैं कि एक हाल हमें यहाँ बना के दे। हम लास्ट टाइम हमने एक DDC मेंबर है यहाँ पे हमारी जाहिदा, उसको हमने इस्तीफा किया था, उसने कुछ फंड्स भी रखे थे हमारे इस थिएटर के लिए, कुछ इक्विपमेंट के लिए थे। अफसोस की बात है, हमारे पता नहीं कुछ अवेयरनेस नहीं हमारे अफसरों को, उन्होंने पता नहीं किस वजह से वो कैंसिल कर दिया। हम फिर से इस्तीफा करते हैं उनको आपके इस माध्यम, इस चैनल के माध्यम से यहाँ पे एक हॉल बना के दे। हम चाहते हैं कि हम अपने कल्चर को ज़िंदा रखें, जो हमारा पुराना कल्चर है उसको ज़िंदा रखने की हम कोशिश करते हैं। तो उसी के लिए आज ये एक और हमने एक यहाँ पे एक ड्रामा किया और लोग इसमें बहुत अच्छी तरह से हिस्सा लेते हैं। हम जब भी बुलाते हैं उनको तो यहाँ पर आते हैं। और इसके अलावा मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट थोड़े हमारे हेल्प करे इसमें, क्योंकि एक स्टूडियो हमने तो यहाँ पे बना रखा है बट इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है और इतने जो हम इस पर सामान ज़्यादा नहीं आ पाते, हमें देखने के लिए नाज़रीन जो होते हैं वो कम, इसमें जगह हमारी कम है। तो हम छोटा चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो हमें थोड़ी मदद करे इसमें।